Thank you very much, my friend. It was nice meeting to you. Nice to meet. Okay, thank you very much. Have a nice day. हम लोग जी तैयार हैं निकलने के लिए, लेकिन अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया. हम कहीं जा कर रुकते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर मैं आपको आज के प्लान के बारे में बताता हूँ. अल्लाह खैर खरी से याद करते हैं भी करना. अभी हम मेन हाईवे पे जाते हैं, वहाँ पे जाके ढूंढते हैं कि कोई रेस्टोरेंट मिल जाए. मेन हाईवे मतलब गांव की जो मेन रोड है, हाईवे कह रहा हूँ. हाईवे तो दूर है, हमने ये सामने रोड है. कल रात को मैं खाना खाने गया था उधर, तो उस पर मैंने देखे थे काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स वगैरह थे, तो अभी वहीं पर जाते हैं. लोग जो है ना देखते हैं फॉरेनर्स को, इन्होंने बड़े अरसे बाद देखा होगा या देखा ही नहीं है. हेलो, डू यू हैव समथिंग टू ईट हियर? डू यू हैव समथिंग टू ईट? ओनली कॉफी? डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स? नो. ओके, इज देयर एटीएम हियर? एटीएम? Oh, she doesn't speak. Okay, thank you. ये हैं जी बुल्गारिया के राइडर और यहाँ के लोग. Thank you so much. I made a video. You will be on YouTube. Assalamu alaikum or good morning everyone from Kustendil. It's a name is, I am pronouncing it right now. Yeah, Kustendil. बल्गारिया. और कल मैं यहाँ पे पहुँचा था, आज है मेरा दूसरा दिन. मैं यहाँ पे सुबह से ढूंढ रहा था कि मुझे कॉफ़ी बार मिल जाए या कोई ऐसी जगह जहाँ से मैं नाश्ता कर सकूँ. यहाँ पे जो कॉफ़ी बार है वो खाने के लिए कुछ नहीं बेचते, तो मैं बड़ी देर से ढूंढ रहा था और एटीएम वगैरह भी. तो यहाँ पे एक लोकल जिसको इंग्लिश आती थी वो फिर मेरे पीछे भागा और उसने बताया कि इधर एटीएम है. मुझे तकरीबन 20-25 मिनट लगे हैं, मुझे नहीं मिल रही थी कहीं पर भी, तो फाइनली जाके वो मिली है और अभी मैं इनके साथ बैठ के नाश्ता कर रहा हूँ. आज का प्लान मेरा ये है कि मैं जाऊँगा पेरिन नेशनल पार्क, जो कि ग्रीस के बॉर्डर के बिल्कुल साथ साथ है. तो हो सकता है आज तकरीबन 300 किलोमीटर के करीब राइड है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे टाइम कितना लगेगा. और अभी तो मैं इनके साथ बैठा हूँ, गप्पे लगा रहा हूँ और मुझे भी कोई जल्दी नहीं है जाने की, क्योंकि लोकल एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा है. सो इन्होंने मुझे इन्वाइट किया, अभी इनके साथ बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी राइड. Thank you very much. Yeah, but yes. Ship is there. Yes. Thank you. Enjoy your day. Na usko mujhe meri samajh aayi hai na mujhe. Rest to pause. Yes. This. Na usko meri samajh aayi hai aur na hi mujhe uski aayi hai. Lekin acche bande the. हमारा जो पहला स्टॉप है आज का वो है एक क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स मोनेस्ट्री या रीला, तो अभी हम उसकी तरफ जाएंगे. अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने लिया छोटी सी ब्रेक, क्योंकि यहाँ की नेचर काफ़ी खूबसूरत है दरिया के साथ. आप शायद आवाज़ सुन रहे होंगे पीछे बतखों की,
और मज़े की बात ये है कि माई फ्रेंड इवो Just stopped here and he is from Sofia and we will ride now together to Rila Monastery. Yeah, so Ivo is joining me for rest 1 hour. It's 1 hour from here, maybe. Maybe. Yeah. Maybe. And one, he has two. A Dominar. वो जो है अब मेरे आगे आगे राइड कर रहा है और हम अगला एक घंटा जो हमें लगेगा मॉनेस्ट्री जाते हुए वो हम साथ राइड करेंगे। मज़े की बात यह कि वो को टूटी फूटी इंग्लिश आती है, कोई ना कोई गपशप लग जाती है इससे ना, हाल चाल पूछ लेता है बंदा। यहाँ के बल्गारिया के ओवरऑल मुझे जितने भी मोटरसाइकिलिस्ट नज़र आए हैं या मिले हैं ये जिनसे बात हुई है वो बहुत अच्छे हैं ओवरऑल सारे। और मेरी बाइक देख के सबको धोखा लगता है कि 650 है, इसको मैंने बताया अभी कि नहीं भाई ये 310 है, कहते नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकता, इसकी आई थिंक 650 है ये डोमिनार। मुझे डोमिनार का कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोगों के पास डोमिनार है। पहले रोड्स की बात कर रहे थे और अब अच्छी वाली लश वाली रोड आ गई है। चेक करें, इन्होंने भी पाकिस्तान वाला काम किया, रोड के दरमियान में गटर वगैरह बनाए हैं, शायद पानी की वजह से बनाए हुए हैं कि अगर बारिश वगैरह का पानी हो तो वो रुके ना, या फिर जैसे हमारे मुल्कों में होता है कि रोड बनाने के बाद उनको पता लगता है कि यार यहाँ पर गटर भी था तो अब गटर की लिड जो है ना वो डालनी है। सो इवो ने हाथ का इशारा तो किया है, वो तो भाई पूरा वो पैर नीचे लगा के निकालता है। ओए ये जगह बड़ी प्यारी थी यार बैठने के लिए। गांव चेक करें भाई, गांव चेक करें, ये यूरोप ही है। आप देख सकते हैं कि टूटे फूटे इस जगह पे हैं जो मेरे ख्याल में अभी तक कि आपने किसी व्लॉग में इस तरह के घर नहीं देखे होंगे। यहाँ पे काफ़ी बूढ़े लोग हैं, बाकी तो मेरे ख्याल में कामों शामों पे आगे सिटीज़ वगैरह चले जाते होंगे। गंदम की फसल चेक कर लें यहाँ की, बल्गारिया की। Pirin. Pirin. Riva. 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 Pirin. Pirin. Okay. We going now in Riva Monastery. Rila Monastery. Yes. Yes. मैंने उसे बताया था कि मैंने जाना है पिरिन नेशनल पार्क की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं मॉनेस्ट्री की तरफ जाऊँ। तो राइट साइड पे पिरिन नेशनल पार्क है और लेफ्ट साइड की तरफ जो है वो रीला रीजन है, वहाँ पे मॉनेस्ट्री है। तो अभी हम पहले उधर जाएंगे, उसके बाद ये मेरे ख्याल में सोफिया की तरफ हो जाएगा और मैं फिर आगे क्या उसे कहते हैं पिरिन नेशनल पार्क की तरफ। यह है जी रीला मॉनेस्ट्री, ईस्टर्न क्रिश्चियंस ऑर्थोडॉक्स की जो ब्रांच है ये उनकी मॉनेस्ट्री है। मेरे ख्याल में मैंने जितनी ज़्यादा मॉनेस्ट्रीज आज तक अपनी ज़िंदगी में विज़िट की उनमें से सबसे खूबसूरत ये है। और ये 10th सेंचुरी मॉनेस्ट्री है, 14th-15th सेंचुरी में ये इस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, उसके बाद जो रशियन ऑर्थोडॉक्स है उन्होंने पैसे वगैरह दिए और इसको रीबिल्ड किया गया है। बल्गारिया में सबसे ज़्यादा विजिट होने वाली प्लेस ये है,
मोनेस्ट्रीज में से ऑलमोस्ट 1 मिलियन विजिटर्स जो हैं यहाँ पे आते हैं, मोस्टली फ्रॉम रशिया, क्योंकि रशिया में मोस्टली ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स जो हैं वो वहाँ पे हैं। अभी मैंने इवो को अपना सामान दे के बाहर खड़ा किया है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का थोड़ा सा मसला हो रहा था और मुझे ये भी नहीं लग रहा था कि यार अगर मैं यहाँ पे खड़े करके जाऊँ तो पता नहीं सेफ है कि नहीं, क्योंकि सारा सामान उतारना लगाना वो बड़ा काम होता है। तो इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ और जाके देखते हैं कि वो ने क्या प्लान किया। मेरा प्लान तो ये है कि परीन नेशनल पार्क की तरफ, लेकिन अगर उसको कोई आसपास में कोई जगह अच्छी नज़र आई तो हम उधर भी जाएंगे। वापस आ गए हैं जी बाइक पे और इवो ने कहा है कि आगे माउंटेन्स के टॉप पे चलते हैं। कहते हैं 10 मिनट जो है वो इस तरह की 10 मिनट कह रहा है 10 किलोमीटर इस तरह की असफाल्ट है और 10 किलोमीटर जो है वो लाइट ऑफ रोड है। अब मुझे ये नहीं पता कि इवो का लाइट ऑफ रोड कैसा है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि आज हम दो बंदे हैं, अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता भी है तो दो होंगे साथ, और बाइक जो है ना उठाना और उसमें सामान लगाना वो उसमें कोई मसला नहीं होगा। जो अल्बानिया वाला ऑफ रोड था उसने तो मुझे सही घुमाटू दिया था, लेकिन यहाँ के ऑफ रोड को देखते हैं। अब इवो का लाइट और मेरे लाइट में हो सकता है कि फ़र्क हो, लेकिन एडवेंचर के लिए हम लोग तैयार हैं। मॉनेस्ट्री बहुत खूबसूरत है यार, बड़ा मज़ा आया है ये मॉनेस्ट्री देखने का। अभी तक तो सही चल रहा है रास्ता, जो है वो कोई बहुत ख़तरनाक नहीं है, लेकिन है ज़रूर इस पर भी ना रॉक्स वगैरह, लेकिन ठीक है, कोई बहुत बुरा नहीं स्टार्ट हुआ। मुझे सिर्फ ये जो बड़े बड़े लूज़ रॉक्स होते हैं ना उससे लगता है वो स्लिप हो जाते हैं टायर से, या फिर अगर कोई गारा वगैरह आ जाए ना। वैसे तो छोटे लूज़ रॉक्स भी ना वो भी बड़े ज़ालिम होते हैं। यहाँ पे ये है कि मेरे ख़्याल में ये क्या जीप रोड या कुछ इस तरह चलता रहता है यहाँ पे, और हाइट जो है वो हम कॉन्स्टेंटली गेन कर रहे हैं। इसमें ये नहीं कि शार्प टर्न्स वगैरह कोई नहीं है इसमें। ये थोड़ा सा खुला सेक्शन आया है, आल्प्स की तरह लग रहा है। तो जी पहुंच गए हम लोग, हमारा 10 किलोमीटर का सफ़र हो गया है। सो इवो दैट्स इट, थैंक यू माय फ्रेंड, इट वाज ग्रेट, थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत और पुरसकून जगह है, और अगर मैं थोड़ा सा लेट यहाँ पे होते तो यहाँ पे बड़ा मज़े से बंदा कैंप कर सकता था, लेकिन अभी तो दिन का सूरज जो है वो ऊपर है और मेरा प्लान ये है कि मैं और आगे कंटिन्यू करूँ। और सॉरी क्योर, थैंक यू। सो रेडी टू गो बैक और टेक अ रेस्ट? रेडी गो, या रेडी गो। सो वी आर ऑलमोस्ट रेडी टू गो, रास्ते में एक दो ब्रेक्स लेंगे, उसमें तस्वीरें वगैरह लेंगे और फिर हम चलेंगे अगले नेशनल पार्क। हम लोग पहुंचे हैं जी अभी रीला, और होपफुली कि इवो यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट की तरफ ही जाएगा, ये ना हो कि वो यहाँ से भी आगे कहीं ले जाए। कि ऊपर मुझे कह रहा था कि हम नीचे ना दरिया के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, कहता है सो भूख लगी, मैंने कहा भूख लगी है, वो पूछते भूख लगी, मैंने कहा हाँ लगी है तुझे, कहता सो। अब उसका सो का तो मुझे पता नहीं है, अपनी सो हो गई है मेरी।
और दरिया ये साथ साथ है, हम जो है ना पिछले कोई 30-40 मिनट से दरिया के साथ ही राइड कर रहे हैं। अच्छा जी, ये इवो ने चढ़ा दिया इधर, मुझे लगता है इवो ले आया है रेस्टोरेंट पे। ओ हो, दरिया के साथ साथ आ गए हैं। Eat here, perfect. लंच हमारा आ गया है। मैंने ऑर्डर की थी ट्राउट अपने लिए, यहाँ के लोकल बल्गारियन ट्राउट। और इवो, हाउ इज़ योर लंच? इज इट गुड? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर। इसने ऑर्डर किए थे मीट बॉल्स, ठीक है। तो अभी हम अपना खाना खाते हैं और उसके बाद जो है निकलते हैं यहाँ से। यहाँ का जो कुक है वो बोरुशिया डॉर्टमुंड का फ़ैन है और जर्मनी की जर्सी पहन के मुझे दिखा रहा है बार बार। बहुत ही आला कमाल ट्राउट थी, मज़ा आ गया। सारे दिन की भूख जो थी ना दबा के खाया है। उसने मीट बॉल मंगवाया, खा खा के बाद कहता अब बहुत हो गया, अब नहीं खाया जाता। अभी हमने जाना है पेट्रोल डलवाने। हमारा सफ़र होगा दोनों का अगला जो है तकरीबन कोई 10-15 मिनट जो है ना वो सेम है। उसके बाद उसने सोफिया की तरफ चला जाना है, वो सोफिया से है, और मैंने जाना है जो नेशनल पार्क है पिरिन, जो ग्रीस की तरफ आता है, ग्रीस के बिल्कुल बॉर्डर के पास है। और फ़िश काफ़ी चीप थी, मैंने तकरीबन यहाँ पे 8 यूरो पे किए होंगे, फुल फ्लेज लंच, लेट लंच डिनर आप जो भी कह सकते हैं। तो 8 यूरो कुछ भी नहीं है यार, जर्मनी में तो 5-6 यूरो में आपको डोनर मिलता है। इधर चलते हैं, इधर इवो को बाय बाय करते हैं। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड, इट वाज नाइस मीटिंग टू यू। नाइस टू मी, एंजॉय योर डे, सी यू अगेन समवेयर। यस, सी यू, सी यू। सो हमने जाना जी कोलाता की तरफ। कोलाता है ग्रीस का बॉर्डर जहाँ पे है। सामने आप सीन्स चेक करें, ये पिरामिड्स चेक करें, हम इनके लिए आए हैं। अभी तो स्टार्ट हुए हैं गांव के बैक साइड पे, तो हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर मैंने देखा है कि एक कैंपिंग की जगह मैंने देखी है कैब से, अगर तो वो अच्छी हुई तो हम इंशाल्लाह रात को यहां पे कैंप करेंगे, और अगर वो अच्छी ना हुई तो ऊपर ही फिर देखेंगे कि कोई होटल हमें मिल जाए इधर। क्योंकि बाइक के साथ मसला ये होता है कि आपने कोई ना कोई अच्छी जगह ढूंढनी होती है जो रोड के आसपास में ही हो, अदरवाइज़ बाइक को बंदा किधर खड़ा करे। वैसे बंदा बैकपैक के साथ हो तो थोड़ा सा साइड पे निकल जाता, कोई ना कोई आपको जो है ना 20-25 मिनट की हाइक के बाद अच्छी जगह मिल जाती है। कमाल यार, ये राइट साइड पर चेक करें ज़रा मेरे, और जो उसके ऊपर लाइट पड़ रही है यार आला, ये वो नहीं जैसे कापादोचिया में है। सो हम लोग पहुंच गए जी अपने कैंपिंग पे, और यहाँ पे कोई और भी कर रहे हैं, ये वाइल्ड कैंपिंग है। और पहले मैं सोच रहा था किसी से पूछ लूँ मेरे ख्याल में, लेकिन इजाज़त होगी मैं इन दोनों से जाके पूछता हूँ। हेलो, यू स्पीक इंग्लिश? या परफेक्ट। इज़ इट ओके टू कैंप हियर? यस।
Okay, then perfect. Because I wanted to ask if it's private or not allowed. No problem. Okay, perfect. Yeah, for other people that making the shuttle there, up there, you looking here. Right. Straight. Oh, yes, I can see up there. Okay, now I think it's fine. The view is perfect here. Okay. With the bike. When you put your tent? Tent. Yes, I will just put my tent here. Thank you very much. Enjoy your meal. Where are you coming from? I'm coming from Germany. From Germany? Yes. But you are from Germany. I'm from Pakistan originally. Pakistan. Yes. So I'm going on my bike to Pakistan from Germany. So really? Yes. 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 Enjoy your meal. Bye-bye. Thank you. ये जी आज रात का अपना करीब खाना। मैं सनसेट होने से पहले यहाँ पहुँच गया था, मेरी किस्मत अच्छी। बहुत ही कमाल की जगह है। गूगल पे लोगों ने कुछ रिव्यूज़ लिखे थे कि ये जगह अच्छी है, वाइल्ड कैंपिंग अलाउ है, तो बंदा यहाँ पे कैंपिंग कर सकता है। तो आज रात मैं यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ। यहाँ पे पास में मॉनेस्ट्री है, ये मॉनेस्ट्री इधर नज़र आ रही है आपको, यहाँ पे है। और आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा। बल्गारिया ने मेरे दिल में अपनी जगह बना ली है, और स्पेशली यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं यार। शक्ल से लगता है जैसे ईवो के इतने ज़्यादा टैटूज थे, पहले तो मुझे देख के डर लग रहा था, लेकिन वो बंदा इतना अच्छा, इतना नाइस था। और अभी मैं यहाँ पे अपना कैंप करूँगा, नाइट यहाँ पे स्टे करूँगा, कुछ बनाते खाना खाना तो मैं खा के, क्योंकि 2 घंटे पहले खाया था इसलिए मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगी हुई, बस छोटे बहुत स्नैक्स वगैरह चलेंगे। और साथ में ये कि अभी मुझे प्यास लगी है, कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं, टी वगैरह पीते हैं, नाइट इन्जॉय करते हैं। होपफुली आज मौसम अगर अच्छा रहा तो मैं नाइट स्टार्स वगैरह की पिक्चर्स लूँगा। और होपफुली आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।